फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी दिन पहले, 2 मंथ हो गए, तो कि हैंकी और यहाँ टिग वाला वीडियो बनाओ। तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि यहाँ कुछ खास वीडियो है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारी वीडियो ये हैंकी वाली हैं, तो मुझे लगा मैं भी देखूं ये वाले वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं ये हैंकी वाली वीडियो में, जो हैंकी बना के यहाँ पे कमर पे लगाते हैं। तो 2 महीने पहले आया था मुझे रिक्वेस्ट कि आप मैडम आप ये वाला वीडियो बनाएं हैंकी वाला, तो प्लीज़ बनाइए। बट मैं इसे जानती ही नहीं थी इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है, लेकिन मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखी और अच्छे खासे व्यूज उसमें थे, तो मुझे लगा मैं वीडियो बनाऊं, तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। तो लास्ट तक वीडियो, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, और प्लीज़ बताना ना भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर बनाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और सभी का स्वागत है मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। तो आप सोच रहे हो ये क्या कर रही है, तो बस मैं भी साड़ी पहन रही थी और कंघी करने जा रही हूँ। अभी आज मैंने नहाया था, मतलब बाल धुलकर, तो जब भीगे हल्का बाल रहते ना तभी कंघी कर लो, तो जो उलझते हैं बाल वो कम उलझते हैं और जल्दी से छूट जाता है जो भी उलझे हुए बाल होते हैं। तो वही मैं कर रही थी, और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी हैंकी वाला वीडियो, जो कमर के पास हैंकी टिक करके वीडियो बनाते हैं। उसकी रिक्वेस्ट काफ़ी दिन से मेरे पास आ रही थी, लेकिन मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया था। बट 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो देखा, तो बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए थे। तो मेरे यहाँ दाल पक रही है, गैस की सीटी बोल रही है, वही आवाज़ आ रही है, दाल मैंने चढ़ा रखी है। तो वीडियो मैंने देखी तो बहुत सारे वीडियो हैं हैंकी वाले। एक सिस्टर है मेरी, 2 मंथ पहले मतलब लगातार मैसेज करती थी कि मैम आप प्लीज़ हैंकी वाला वीडियो बनाइए टिक करके, क्लोज कैमरा करके। तो मैंने उनकी बात का बिल्कुल सीरियस ही नहीं लिया था, बट जब मैंने वीडियो देखा सभी का, तो मैंने देखा हाँ उसमें व्यूज भी अच्छे आते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। और मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं इस समय, तो कोई प्रोडक्ट अगर अच्छा हो जिससे बाल ना टूटे तो मुझे ज़रूर बताइएगा सब लोग। तो अब मैं जा रही हूँ हैंकी का वीडियो आपके साथ बनाने, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो में, कमेंट करिएगा कैसा लगता है बताइएगा। तो यही मैं बना लेती हूँ खड़े होके वीडियो, क्योंकि ये हैंकी वगैरह वाला जो चैलेंज वीडियो होते हैं ना मैं बिल्कुल नहीं बनाती, ब्लॉग का चैनल है तो ब्लॉग ही मैं बनाती हूँ। लेकिन जब लोगों ने कहा और मैंने वीडियो देखा, तो मुझे लगा शायद कुछ तो खास होगा, तब तो इसमें व्यूज आ रहे हैं, और उतना अनकम्फर्टेबल भी नहीं लगा मुझे, क्योंकि नॉर्मली है, कोई बहुत बड़ा ताम झाम इसमें नहीं है। साड़ी पहनो और हैंकी को अच्छे से मोड़ के फोल्ड करके ले लो। ये देखो मैंने एक हैंकी ली है छोटी सी ही, क्लोज करके दिखाती हूँ आप लोगों को मैं, क्योंकि नीचे तक का दिख नहीं रहा ना, तो मैं कैमरे पे इधर उधर कर रही हूँ जिससे सब दिखे कि मैं कैसे हैंकी को मोड़ रही हूँ, कैसे मतलब लगा रही हूँ। तो सीटी बोल ही रही है, उसको इग्नोर करिएगा आप लोग। तो ये हैंकी है छोटी ही है, एक कोने से पकड़ के हम दोनों तरफ से हल्का हल्का फोल्ड कर लेंगे ये ऐसे समोसा टाइप ऐसे ही, और बस सीधे ऐसे ही टक कर लेना है, जब कमर में ऐसे ही खोंच लेना है। तो ये वीडियो वैसे चलते हैं अच्छे खासे यूट्यूब पे, और मुझे लगा कि ये कोई ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक है, जैसे नॉर्मली हम लोग वीडियो बनाते हैं वैसे ही है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है।
तो कैसा लग रहा है हैंकी वाला वीडियो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं अच्छे से क्लोज करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। क्या है ना, बहुत सारे चैलेंज के वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आती हैं। काफ़ी दिन से एक लड़की का मेरे पास मैसेज आ रहा था नोज ब्लोइंग का वीडियो बनाने के लिए, बट वो मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसमें क्या था ना, उसमें नाक में पता नहीं क्या क्या करके तब उसे बनाते हैं, मुझे वो देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने वो रिक्वेस्ट नहीं स्वीकार करी है। और मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया था कि सिस्टर ये वाला वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी, मुझे देखकर ही अजीब लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे वीडियो नहीं बनाते हो आप, तो फिर यहाँ फिर मतलब ही क्या है, यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो चलते हैं। तो मैंने कहा और कोई वीडियो बताओ जो मेरे लिए कंफर्टेबल हो और अच्छी भी हो, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा जिस पे हम खुद कंफर्टेबल नहीं हैं, तो पब्लिक क्या उसमें कंफर्टेबल होगी। तो रिक्वेस्ट माननी चाहिए, वीडियो भी बनानी चाहिए, क्योंकि हम यूट्यूब पे हैं, पब्लिक के नज़र में हैं, तो हाँ पब्लिक जो कहेगी करना है, लेकिन हमें एक बात तो ध्यान ही रखना है ना कि कैसी वीडियो हम बनाएं थोड़ा हमारे लिए भी सही हो, जो मतलब एक सम्माननीय वीडियो हो, मतलब अच्छा लगे, एक नॉर्मल हो। ये नहीं कि कोई भी चैलेंज है तो कोई भी हम वीडियो बना लें। नोज ब्लोइंग में क्या है, पता नहीं नाक में क्या क्या करते हैं, फिर मतलब गंदगी जैसी लगती है मुझे, तो इसलिए मैं वो वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल रेडी ही नहीं हुई हूँ। तो उन सिस्टर को मैं सॉरी बोलती हूँ, और कोई रिक्वेस्ट की वीडियो हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं बनाऊँगी। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और ऐसे चैलेंजिंग वीडियो वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, मुझे आता नहीं है, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, आप लोग अगर कहते हो तो प्लीज़ मैं उसे ज़रूर बनाऊँगी। और अच्छे चैलेंज जो मैं कर सकूँ, जो मेरे लिए थोड़ा कम्फर्टेबल हो, वो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो यहीं तक का था, बाय बाय, नमस्ते।